हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत एंड आज हम खुलकर एकदम खुलकर बात करेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग विथ द मार्वल्स। का बवासीर बना दिया हो? बट देखा जाए तो ये पर्सपेक्टिव ही गलत है, क्योंकि इस मूवी के साथ इतना कुछ बुरा है कि हमें इसमें एक्चुअली गलतियों के बीच कुछ सही ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। बट हम तो उतने शरीफ लोग हैं नहीं जो व्हाट वेंट राइट सीरीज चलाएं। तो आओ यार साथ में मिलकर बुराई करते हैं दी मार्वल्स की। We have a coming here with good news. तो सबसे पहले तो इसकी सबसे बेसिक प्रॉब्लम से शुरू करते हैं और वो है इसकी रन टाइम। एक तो मार्वल ने इस बार 1.5 घंटे की मूवी बना के अपनी औकात दिखा दी, क्योंकि इसके रन टाइम से ज्यादा लंबी रीराइटिंग वीडियो तो मैं बना दूंगा। आगे बढ़ते हैं तो देखो यार, ये तो जग जाहिर सी बात है कि रन टाइम का बहुत बड़ा हाथ होता है मूवी के कंटेंट के लिए। छोटी लेंथ ऑब्वियसली एक इशारा होती है कि मूवी में ज्यादा कुछ क्या कुछ नहीं होने वाला है। स्पेशली मल्टीवर्स सागा में तो मूवी की लेंथ 2 घंटे 15 मिनट से ऊपर की तो होनी ही चाहिए, क्योंकि यहां पहले से बहुत बड़े सागा को सेटअप करना है भाई। बट नहीं, इन्होंने बस मूवी बनाने के लिए मूवी बना दी। नाउ सेकंड इशू की तरफ चलते हैं जो कि यहीं से डिराइव हो जाएगा, और वो है लिटरली नो स्टोरी। अब 1.5 घंटे की लेंथ से ही समझ जाओगे कि भाई स्टोरी के नाम पे ये हमें चूना ही लगाने वाले थे। मूवी की स्टोरी इतनी ज्यादा बेहुदा और एब्सर्ड है कि इसे स्टोरी बोलना भी पाप है। हालांकि हवा पोल्यूटेड हो गई, रिसोर्सेज खत्म हो गए थे, प्राइम इंटेलिजेंस के जाने की वजह से क्री अपनी कॉलोनीज को खो चुका है। वहीं एक लीडर उठती है जो कि पुराने प्लैनेट्स को सबड्यू करना शुरू करती है ताकि हाला वापस से खुशहाल हो जाए। पहली बात तो ये कि मार्वल को ऐसा क्यों लगता है कि ये स्टोरी बड़ी इंपैक्टफुल साउंड कर रही है। क्री समाज को हमने कितना ही देखा है भाई, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में बस नाम भर देखा, कैप्टन मार्वल में बस शुरुआत में और एंड में देखा, और ये 5 साल बाद दोबारा से क्री को दिखा के चाहते हैं कि हम उनके ग्रेव सिचुएशन से रिलेट कर पाए। लाइक कम ऑन मैन। वहीं इसकी शैलो सी स्टोरी और भी पिट गई इसके एग्जीक्यूशन में। वैसे देखा जाए तो मैं किन्हीं लोगों से सेंस की उम्मीद कर रहा हूं भाई। ये क्री लोग साले एक एआई की बात मान रहे थे इतने साल तक, तो कौन से समझदार लोग होंगे वो। खैर, तो तीसरी इशू है बहुत ही वाहियात सा कॉन्सेप्ट। मुझे कोई ये समझा दे कि डार बेन क्वांटम बैंड से जंप पोर्टल्स खोलने लगी, आई अग्री। क्वांटम बैंड्स लाइट के पावर पर चलते हैं, ये भी समझ गया। एक क्वांटम बैंड से छेड़छाड़ करिए तो कमाला इसमें एंटेंगल हो गई, ओके। तो इससे सारा कैरल और मोनिका का क्या लेना देना, ब्रह वो कैसे एंटेंगल हो रही है, और क्या ही अजीब रीजन दिया इन्होंने कि इनके पावर्स का नेचर सेम था तो इस वजह से ये तीनों उलझ चुकी हैं। बट इतने पे भी इनका मन नहीं माना तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना अब इस क्वांटम बैंड के पावर के साथ कुछ भी एब्सर्ड क्यों ना दिखा दिया जाए, है ना। तो चौथी प्रॉब्लम रही कुछ भी दिखाते चले जाना। मूवी में डार बेन जब स्क्रल रेफ्यूजी प्लैनेट से उनकी हवा चुरा लेती है, उसके बाद वो जाती है पानी के लिए अलाडना। अलाडना से पानी लेने के लिए वो पोर्टल ओपन की एंड पानी अगेंस्ट द ग्रेविटी हाला में जाने लगा। मतलब हम चूतिए हैं, है ना। पानी को उतने प्रेशर से उठाने के लिए अलाडना की एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतनी ज्यादा होना चाहिए कि दूसरे साइड एक लो प्रेशर जोन तक में पानी कंप्रेस होके चला जाए। अब कोई ये मत कहना कि मैं साइंस क्यों लगा रहा, क्योंकि इन्होंने खुद मूवी में ही पहले दिखाया कि स्क्रल्स के प्लैनेट से हवा हाला में मूव कर गई थी बिकॉज ऑफ प्रेशर इम्बैलेंस। हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बह गया क्योंकि वो ज्यादा फ्लूइड है। बट पानी के केस में भले अलाडना में प्रेशर ज्यादा था, स्टिल अगेंस्ट दी ग्रेविटी खींचने के लिए अलाडना की एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वहां के पानी को इतनी जोर से दबाना पड़ता कि वो पानी हाला में पहुंच जाए। बिकॉज हाला में तो कोई मोटर पंप लगाकर तो नहीं बैठा ना। वहीं इस मूवी में कुछ भी हो रहा है, भले ये मूवी दी मार्वल्स थी बट स्टिल इसमें ट्रम्प कार्ड कैरल को होना चाहिए था। बट डार बेन कैरल को पीट रही थी, एक हाथ से उठा के चोक स्लैम दे रही है प्लेन के ऊपर। भाई यार, मतलब क्या चाहता है मार्वल, क्या क्वांटम बैंड थेनोस से ज्यादा पावरफुल है? पूछता है ये भारत कि क्या क्वांटम बैंड सच में थेनोस से ज्यादा पावरफुल है? वो कैरल डैनवर्स जो थेनोस के हिट से हिली तक नहीं थी, वो अब क्वांटम बैंड से पिट रही है, यानी कि कमाला खान भी थेनोस को कूट देती है ना, बताओ। वही एंडिंग में जब डार बेन सन को खींच ही रही थी, देन इसे वो दोनों बैंगल्स पहनकर शो ऑफ क्यों ही करना था भाई, क्यों पावर अप करना था इसे खुद को। अजीब ही हालत थी, कोई सेंस नहीं बनता इन चीजों का। वही विलन
भाई साहब, डार्वेन को मैं एमसीयू के सबसे घटिया विलन्स की लिस्ट में सबसे ऊपर रखूंगा। ये किसी भी तरीके से एंटागोनिस्ट नहीं लग रही थी, ना ही कोई विलेनियस प्रेजेंस, ना वैसा कोई ऑरा लग रहा हो। इतनी वीकली रिटन और एग्जीक्यूटेड विलन को लाओगे तो भाई कहां से लोग इज्जत करेंगे तुम्हारी। वहीं इसी के साथ मोनिका रैम्बो और कैरल का कैरेक्टर भी अजीब ही लगा। कैरल के अभी तक के एमसीयू के तेवर को देखोगे और उसके डायलॉग्स को सुनोगे और इस मूवी में उसकी पर्सनल को देखोगे, सब इतने बेमेल हैं कि क्या ही कहूं। वहीं मूवी के पूरे प्लॉट में मोनिका का बस एक ही यूज था और वो था एंड पार्ट के लिए। बस एक सीक्वेंस के लिए इन्होंने पूरा एक कैरेक्टर ही घुसेड़ डाला मूवी में। वहीं मूवी की राइटिंग, भाई साहब इतनी लेजी राइटिंग मैंने आज तक नहीं देखी। इस मूवी को कन्वीनियंट बनाने के लिए इसे जिसने भी लिखा है वो इसे एंडिंग नहीं दे पा रहा था, मैं लिख के दे सकता हूँ। एंडिंग को अपने मन मर्जी का बना दिया गया कि अचानक से गूज बच्चे देने लगी, फ्लर्केंस खाते नहीं निगलते हैं, मतलब खुद के राइटिंग कन्वीनियंस के लिए कुछ भी लिख दिया गया है। कमाला के फैमिली पे एक अटैक हुआ एंड फ्यूरी ने क्या सोचा, ये ले चलो इन्हें हमारे सबसे हाईटेक खुफिया अड्डे पे। अबे पागल हो क्या, टोनी का बाप इतना इंपॉर्टेंट इंसान, उसकी देख रेख में एक बंदा नहीं था, सड़क पर कुत्ते की मौत मारा गया था बेचारा, उसे तो कोई शील्ड के खुफिया अड्डे पर महफूज नहीं रखा गया, और यहाँ एक छोटा सा अटैक हुआ और इन्हें सीधे हमारे स्पेस स्टेशन ले चलो, वाह। यानी इसकी फैमिली हार्वर्ड स्टार्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ये मूवी बस मूवी बना देने के लिए बना दी गई है यार, कुछ भी हो रहा था इस मूवी में। इन्हें बस एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखानी थी, उस चक्कर में इन्होंने पूरी मूवी बना डाली, क्या ही कहूं। अब इन सब के अलावा अगर तुम्हें कोई चीजें पता चली हैं गाइस, या फिर तुमने कुछ नोटिस किया है इस मूवी में कि क्या बवासीर चल रहा है ये, तो कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर तुमने भी मेरे जैसे अपने पैसे वेस्ट कर दिए थे इस मूवी के पीछे, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन और भड़ास भी तुम हमारे कमेंट सेक्शन में निकाल सकते हो। तो ऐसे ही सुपर ऑसम कॉन्टेंट और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर देना। पीस।